सभी को नमस्कार एवं सभी का आरसी केमिस्ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो अपना टॉपिक चला था एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जे जे थॉमसन परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, निंस बोर परमाणु मॉडल और सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल। उसमें जो पहला था अपना जे जे थॉमसन परमाणु मॉडल कंप्लीट हो गया था। आज का अपना नंबर दो रहेगा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, यह परमाणु मॉडल सर्वप्रथम दिया था 1911 में। वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इसके साथी थे गीगर व मार्सडे। गीगर व मार्सडे। तो परमाणु कब दिया? 1911 में। किसने दिया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। साथी थे गीगर व मार्क्स डे। ठीक, तो गीगर तो मार्क्स डे और रदरफोर्ड इस साथियों ने परमाणु मॉडल दिया। और उसमें क्या था कि परमाणु, इस परमाणु में क्या क्या है कि अल्फा कणु की बौछार, अल्फा कणु की बौछार, एक सोने की पतली पन्निका, सोने की पतली पन्निका पर की उस पन्निका का मोटाई की 100 नैनोमीटर या 10^-8 मीटर। ठीक है, और अल्फा कणु के रूप में, अल्फा कणु के रूप में प्रयुक्त किया था हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक। ठीक है, यानी इसने एक सोने की, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्निका पर हीलियम के नाभिक, यानी क्या बोलते हैं, अल्फा कण की बौछार की, और बौछार किया और करके उसने अध्ययन निष्कर्ष निकाला अल्फा कणु की दिशा, इन अल्फा कणु की दिशा जानने के लिए। दूसरी ओर जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड जेडन एस सिंबल होता है, अल्फा कणों की दिशा जानने के लिए जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा रखा। क्या रखा? जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा रखा। ठीक है, और क्या निष्कर्ष निकाला तो देखिए, मान लीजिए सोने की पतली पन्निका है। ठीक है, इस पर अल्फा कणों की बौछार क्यों है? ये क्या है? अल्फा कण। क्या है ये? अल्फा कण। अल्फा कण के रूप में किसका प्रयोग किया था? हीलियम के नाभिक। जैसे अल्फा कणों की बौछार की तो उसने क्या पाया कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए। तो ये थे सीधे निकलने वाले अल्फा कण। अधिकतर अल्फा कण क्या हुए? सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए। तो ये देखिए, मार्ग से विचलित अल्फा कण, यानी सोने के पन्निका पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकतर अल्फा कण क्या हुए? सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से
विचलित हुए, तो जैसे इधर का थोड़ा सा मुड़ा और इधर निकल गया, और कुछ एक अल्फा कण आए और जिस दिशा में तो उसी दिशा से वापिस आ गए, लगभग 180 डिग्री कोण पर वापिस आ गए। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण गोछा तो सोने की पतली पन्निका पर की, तो उसने ये निष्कर्ष निकला कि लगभग अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, ज्यादातर अल्फा कण क्या है ये सीधे निकल रहे। ठीक है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, मार्ग से ये विचलित हुए, यानी लगभग 2000 में से एक कण अपने मार्ग से विचलित हुआ, मार्ग से विचलित हुआ। ठीक, और लगभग 20,000 में से एक कण, कहीं 20,000 में तो लगभग ये 12 से 20,000 बीच को 12,000 पे लिखे होते, कहीं 20,000 में तो 20,000 में से एक कण 180 डिग्री पर वापस लौटा है, यानी जिस दिशा से गया उसी दिशा से वापस लौटा है। जैसे इस अल्फा कण को देखिए, ये टकराया वापस इसी दिशा में डायरेक्ट आ रहा है, यानी अल्फा कण 180 डिग्री से वापस आया। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु में तीन स्थितियां प्राप्त की, अधिकतर अल्फा कण सीधे निकले, कुछ अल्फा कण मार्ग से विचलित हुए, और एक अल्फा कण 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री से टकराकर वापस लौटा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि यह मेरे जीवन की अत्यंत अविश्वसनीय परिघटना है, और यह उतनी ही अविश्वसनीय परिघटना है जैसे कि कोई 14 इंच बम का गोला किसी पतले कागज से टकराकर वापिस ही उसी दिशा में लौट आए, ये इतनी अविश्वसनीय परिघटना है। तो ये तो इसके प्रेक्षण, ये था अपना रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। बाद इसके तो कंपटीशन जो क्वेश्चन बनते, तीन अहम क्वेश्चन बनते हैं। तो नंबर एक है, रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण, पहला क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के अंदर अल्फा कणों के रूप में किसका प्रयोग किया? हीलियम के नाभिक। किसका प्रयोग किया? हीलियम के नाभिक, या कहीं कहीं ऑप्शन में आ जाता है डी धनात्मक हीलियम आयन H2+, तो भी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है अपना, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में हीलियम के नाभिक का ही प्रयोग क्यों किया? तो यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में हीलियम के नाभिक का प्रयोग इसलिए किया, जो हीलियम गैस है यह सबसे छोटी अक्रिय गैस है, सबसे छोटी अक्रिय गैस है, यानी क्रिया नहीं करेगी, और सबसे छोटी अक्रिय गैस से रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में इसका उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 3, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में सोने की पतली पन्निका का उपयोग ही क्यों किया, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में सोने की पतली पन्नी का उपयोग इसलिए किया, जो सोना होता है वो सभी धातु में आघात वर्धन्य, जैसे धातु गण गुण होते हैं आघात वर्धन्यता आदि, तो सोना सबसे आघात वर्धन्य होता है, इसलिए इसका उपयोग किया। और दूसरा इसका कारण है कि जो सोना होता है यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे होता है, यानी इसकी वजह से इसने अपने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया। चौथा क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के अंदर अल्फा कणों की दिशा को जानने के लिए किसका उपयोग किया? तो उसका था जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा। किसे लिया? जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा। इसका कारण क्या है कि जो जिंक सल्फाइड है यह दीप्तिमान होता है, जब इस पर अल्फा कण डालते हैं सर्वाधिक दीप्तिमान होता है। तो यह था अपना जनरल रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, क्या उसने कैसे किया, किसका उसने प्रयोग किया, अल्फा कणों के रूप किसका उपयोग किया, और अल्फा कणों की किसको साथ ही उसकी अल्फा कणों की दिशा जानने के लिए किसका उपयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के निष्कर्ष।